है गाइस, काफ़ी ज़्यादा दिन बाद आप मुझे देख रहे हैं। लमसम कहे जाए तो 17 दिन या 18 दिन बाद कोई वीडियो अपलोड हो रही है मेरे चैनल पे। और आप लोग के बहुत सारा क्वेश्चन था, डीएम भी भाई लोग करते थे जो मुझे ज़्यादा दिन से फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी लोग मेरी वीडियो से मदद मिली है वो लोग SMS करते थे, या कभी कभी मैं स्टोरी डालता था कि यार भाई इतने दिन हो गए वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, और आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पर भी नहीं दिख रहे हो। मतलब आप स्टोरी वगैरह डालते थे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, वहाँ पर भी नहीं दिख रहे हो, कुछ भी एकदम साइलेंट हो चुके हो। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि 17-18 दिन वीडियो क्यों अपलोड हुई है। और ये चेहरा अभी देख रहे हैं आपको सेठ सेठ सा दिख रहा होगा, और आप ये लोकेशन भी देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ऐसी लोकेशन में मेरी कोई भी वीडियो नहीं पड़ी हुई है। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी मैं आप घर आ चुका हूँ, और 17-18 दिन मेरी वीडियो क्यों नहीं पड़ी है, इसका रीज़न यही है कि मैं अभी घर आ चुका हूँ। घर क्यों आया था मैं आपको बता दूँ कि 17 फरवरी को अचानक बहन का मेरी तबीयत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, इस वजह से मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा, और जॉब लमसम छोड़ चुका हूँ। मतलब जहाँ काम करते थे वहाँ कंफर्टेबल, और मैं जॉब इसलिए करता था क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए अच्छा साधन मिलता था, घर पे वो चीज़ें नहीं मिलने वाला है। और यूट्यूब के बारे में घर पे जैसे सारे यूट्यूबर होते हैं बोलते बोलते नहीं है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि कुछ समझता ही नहीं है कि क्या है यूट्यूब पर वीडियो बना करोगे, क्या पढ़ाई करो, नौकरी करो, तैयारी करो, तो ये साफ समझ में आता है, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाए ये सब बाहर की बातें हैं। तो लमसम ये सारा चीज़ें हो गया, और तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल वगैरह बच्चू बनारस गोरखपुर जहाँ भी रिलैक्स होता था, जहाँ भी बोलते तो जहाँ से भी ठीक होता था, आदमी परेशान रहता था। और देखो यार, वीडियो बनाने में सही बात, मनोज भाई अभी शादी उदी कर लिए, इससे पहले जो भी मनोज भाई के IDM से तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेसन ब्रो। यार लाइफ में दो चीज़ जो आपको चूज करना चाहिए जिससे पूरी ज़िंदगी सफल होती है, पहला अपना काम, मनपसंद काम, और मनपसंद लाइफ पार्टनर, वो मनोज भाई ने चूज किया है और यूट्यूब की वजह से किया। और आज जितने भी सपोर्ट मिल रहे हैं पूरा यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब फैन दे रहे हैं और हम सभी लोग दे रहे हैं, इसके लिए यार मनोज भाई के ऑडियंस को और मनोज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई यार बहुत सेट थे, बहुत मतलब समझ लो इतनी परेशानियाँ थी, इतनी अभी कुछ भी आप सबको शेयर नहीं किया हूँ, आने वाले वीडियो में आपके साथ सब कुछ मिलेगा, शेयर करूँगा आप सबको। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, कल संडे है और कल हम लाइव आएंगे, जितने लोग भी हैं शायद इस वीडियो में देख लें, कल लाइव टाइमिंग होगी 6 बजे और यहीं पर आएँगे। कल भी बहुत सारा काम है, काम जल्दी जल्दी निपटा के, और कोशिश करूँगा जहाँ भी रहूँगा, कल और भी जाना है कहीं दिखाने वगैरह तो डॉक्टरों को, तो देखेंगे कल पूरा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि 6 बजे लाइव आऊँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा था कि 15-16 दिन वीडियो नहीं मिली है, इसका वजह ये है कि घर पे कुछ कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब बहन का तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अभी मैं घर पे मैं ही हूँ, पापा हैं नहीं, पापा तो ड्यूटी वगैरह करते हैं, और मेल में मैं ही हूँ लमसम समझ लो, सब कुछ देखने वाला, इधर उधर ले जाने वाला, तो पूरी जिम्मेदारी जो है कि मेरे ऊपर आ चुकी है। और यूट्यूब पर आने का पूरा मतलब यही है कि मैं घर पे रह चुकूँ, वीडियो बना सकूँ, और घर पे रहकर घर भी का घर को लोगों को भी देख लें, क्योंकि मेल में मैं ही हूँ तो पापा हैं नहीं, तो अब घर पर सारा चीज़ें देख लूँ, बाबा हैं तो कुछ करने लायक नहीं है, चाचा कहीं बाहर ही रहते हैं, बस इतने ही लोग हैं, 6-7 लोग हैं पूरी फैमिली। और आपको किसी दिन इंट्रो करा दूँगा आप सबका मांग रहा तो, फिलहाल आप सब ये समझ लीजिए कि घर पे ये सारा चीज़ जिक्र नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन लमसम अब जिक्र हो चुका है। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट आ जाती यार भाई, इस बार खुशी ही होती, यूट्यूब पे ज़रा भी काम नहीं किए, इस वजह से जो $100 का ग्राफ होता है वो अटक चुका है, और समझ लीजिए कि 99.9% अटका है, और वो $2 पता ये रुक गया तो अगले बार आएगा पेमेंट, उसमें बढ़ेगा, फिर 21 तारीख को पेमेंट आएगी। तो अगले वीडियो में, तो अगले जो आने वाले अगले हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, हाँ अप्रैल में आपको पेमेंट वाली भी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना समझ लीजिए कि तबीयत ख़राब हो गया बहुत, और जॉब छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं ये फाइनली बता नहीं सकता, क्योंकि जॉब पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल मिलता है, लोकेशन मिलती है अच्छी, एकाग्रता मिलती है, अच्छा लगता है, यहाँ पर सौ तरह के काम इधर उधर, कितना टाइम निकाल के अभी बुला रहा हूँ और बाहर वीडियो बना रहा हूँ, मम्मी पीछे से आवाज़ लगा रही है काम के लिए और सारा चीज़ें। तो ठीक है भाई यार, आप वीडियो मिलेगी आप सबको, ठीक ना, आप सब इतना प्यार देने के लिए, अभी तक इतना देखने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत वगैरह सब कुछ अभी नॉर्मल हो चुका है, कोशिश करूँगा वीडियो मिलेगी, मेरी भी कुछ लापरवाही रही है, इस बीच आपको अपडेट देना चाहिए था, इसके लिए सॉरी, सभी से सॉरी यार। और प्लीज़ यार वीडियो मेरी पूरा देखते रहो आप लोग, और जो भी कमेंट है आप लोग करो, कल लाइव आएंगे, कल जरूर आना आप लोग लाइव, आज कितने लोग कल लाइव आए होगा देखने के लिए फटाक कमेंट कर देना, वीडियो को अभी तक इतना देखने के रहती बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।